हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या चल, आई होप अच्छे होंगे। तो भाई अभी मैं लेस्टर के पास जा रहा हूँ, क्योंकि लेस्टर मुझे अपने दोस्त से मिलाने के लिए लेकर के जा रहा है। लेस्टर का दोस्त भाई जो है ना, शहर का कमिश्नर है भाई, मजा आने वाला है। हमारे थोड़े से और कॉन्टैक्ट बन जाएंगे। तो आज वो कमिश्नर भाई छोटी सी पार्टी दे रहा है अपने घर में, तो वहीं पर मैं पहुंचूंगा। पहले मैं लेस्टर की फैक्ट्री में पहुंचता हूँ, उसको वहाँ से उठाता हूँ, फिर पहुंचेंगे भाई कमिश्नर के पास। गाइस अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर दो। अगर अभी तक आपने मेरे सेकंड चैनल को चेकआउट नहीं किया तो बाद में जाकर उसको चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं उस पर रोज जीटी की वीडियोस डालता रहता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो भाई पहुंचता हूँ फटाफट से। ओके भाई, पहुंच गया मैं फैक्ट्री में। लेस्टर बाबा कहाँ पर हो? अरे लेस्टर यार, इसको ऊपर से बुला के लाना पड़ता है हमेशा। चलो भाई पहुंचता हूँ बंदे के पास। भाई लेस्टर आ चुका है, चलिए फटाफट से पार्टी में पहुंचते हैं हमारे कमिश्नर भाई की। और वैसे लेस्टर को कितने बढ़िया बढ़िया कॉन्टैक्ट्स, आप लोग देखो तो यार कमिश्नर से भी जान पहचान है इसकी। लेस्टर एक बात बता यार, या तो फैक्ट्री पे रहता है पूरे दिन या फिर अपने घर पे रहता है, तब भी तुझे पूरा शहर जानता है और शहर भी इसको पूरा जानता है। यार एक बात बताओ, बंदा घर पे रहने के बावजूद इतना फेमस हो चुका है, देखो तो सही, कमाल है यार ये बंदा। तो चलो भाई मैं जगह पे पहुंचता हूं। ओके गाइस, हम लोग जगह पर आ चुके हैं, चलिए अपनी कार को कहां पे पार्क करें। ओके भाई जगह मिल गई है, बहुत बढ़िया है, जगह पहले से छोड़ के रखे। चलो भाई गाड़ी पार्क कर दिया। लेस्टर चाचा आ जाइए, पार्टी में चलते हैं अंदर। भाई ये पहले घर आपको याद होगा हमारे गैंगस्टर चाचा का था, पता नहीं भाई आजकल तो चाचा कुछ पता ही नहीं है बेचारे कहाँ पे चले गए। मुझे लगता है कमिश्नर ने घर खरीद लिया है उससे, हो सकता है भाई कमिश्नर पर पैसे वैसे होंगे, बंदा दो नंबर का काम तो नहीं करता, इतना बड़ा घर खरीद लिया। पार्टी कहाँ पे चल रही है, सुट्टे मत मार, खड़ा हुआ मतलब पार्टी कहाँ पे। लेस्टर आगे तरफ आ जा, पार्टी आ गई है शायद से। हाँ भाई पार्टी आगे ही चल रही है, यहाँ पे बंदे हो भाई साहब, डांस भी चल रहा है, पार्टी बढ़िया है भाई साहब, देखो तो सही यार, पनीर टिक्के भी बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, आरटी तो बढ़िया है भाई, कमिश्नर का टेस्ट अच्छा है। चलो सही है, कमिश्नर कहाँ है पर? गाइस कमिश्नर साहब मुझे मिल चुके, देखो तुसी अकेले में सुट्टे मार रहे, ऊपर सुट्टे नहीं मार रहे, इसका मतलब पब्लिक को दिखा के सिगरेट नहीं पीते, अकेले अकेले फूक रहे। अरे कमिश्नर साहब बाद में ही पी लेते। आजा लेस्टर भाई साहब, मिल गए आपके कमिश्नर, बात करो भाई, मैं तो जानता नहीं हूँ, बात यही स्टार्ट करेगा पहले। आजा भाई, कमिश्नर जी से बात हो चुकी है भाई, इनका भी मुझसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कराने हैं। देखो यार बंदे ऐसे याद ही नहीं करता कोई हमें, सबको तो हमसे काम निकलवाने अपने। चलो तो बताता हूँ उनको क्या काम है। भाई ये रिटायरमेंट के बहुत ही नजदीक है, तो पर इनसे बहुत से एक भी केस सोल्व नहीं हुआ, बट ये चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट से पहले पहले दो तीन केस को सोल्व कर दो। गाइस आज शहर में दो जगह मर्डर हुए, तो ये चाह रहे हैं कि मैं वहां पे जाऊं और प्राइवेटली भाई केस को इन्वेस्टिगेट करूं, जैसे ही मैं केस को सोल्व कर लूं इनको सारी डिटेल आके बता दूं, ताकि ये बोले कि भाई ये केस इन्होंने सोल्व किया है, और रिटायरमेंट से पहले भाई अपना ठप्पा लगा ले कि इन्होंने अच्छे अच्छे केस सोल्व करे है। चलो ठीक है, हम ये इनका काम कर भी दे, बट फ्री में क्यों करें भाई, अब इनसे बात करता हूं भाई, मैं क्यों करूं, जानना पहचान, आपने पहली मुलाकात में मुझे काम बता दिया, करूं या ना करूं कमिश्नर के काम। वैसे अगर कर देंगे तो भाई कॉन्टैक्ट्स अच्छे निकल सकते हैं, पर भाई काहे के कॉन्टैक्ट्स यार, ये तो रिटायर होने वाला है। एक बार लेस्टर से पूछ लेता हूं भाई सारी बातें, भाई करूं या ना करूं। भाई अब तक कर देते यार, कमिश्नर बोल रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको कितने बढ़िया गिफ्ट दूंगा, बहुत ही स्पेशल एक मेरे पास बाइक है, वो बहुत ही सीक्रेट बाइक है और किसी के पास नहीं है, अगर आप मेरा एक काम सोल्व कर दोगे तो वो बाइक मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा। सही है यार, बाइक गिफ्ट देने वाले हो, भी सीक्रेट बाइक। ठीक है कमिश्नर साहब, हम आपका काम करेंगे, हमें जगह बताओ कहाँ पे मर्डर्स हुए, मैं वहाँ पे जाके फटाफट से चेक करता हूँ, देखते हैं भाई पता लगाते हैं किस बंदे ने मारा होगा। हमें सारी गैंग्स के बारे में पता है, सबका पता है हमें, कौन कैसे मर्डर करता है, जाके देखता हूँ मैं। गाइस मैं क्राइम सीन पर आ चुका हूँ, बड़ी भीड़ लगी हुई यहाँ पे, कोई पहचान तो ना ले मेरे को, नहीं वैसे नहीं पहचानेगा भाई, जैसे बाकी बंदे खड़े हुए हैं आराम से फोटो खींच रहे, देखो तो सही भाई। मैंने ऑफिसर कमिश्नर से बात करवा दी, उन्होंने बात कर लिया कि मेरा आदमी है, तो इन्होंने मुझे अंदर आने की परमिशन दे दी। अब देखते हैं भाई किस लड़की का मर्डर हुआ है। तो भाई मेरे हिसाब से लगता है चोरी के लिए मर्डर किया गया, क्योंकि देखो पर्स में सारा सामान निकला हुआ पड़ा है, फोन भी, नेकलेस भी, गाड़ी की चाबी, घड़ी, पर्स वगैरह सब कुछ निकला हुआ है। गाइस मर्डर वेपन आपको दिख ही गया होगा, देखो भाई चाकू पड़ा हुआ है नीचे, तो चाकू पेट में देके भाई लड़की को मारा गया है। ओहो, तो भाई दूसरे क्राइम सीन पे चलते, देखते वहां पे कुछ छोटा मोटा क्लू मिले। गाइस मैं दूसरी जगह पे पहुंच चुका हूं भाई, यहां तो कुछ ज्यादा तगड़ी सिक्योरिटी लगी हुई है, मुझे अंदर भी आने देंगे नहीं आने देंगे। एक काम कर दो भाई, टकला बाहर खड़ा हुआ, इससे बात करवा देता हूं कमिश्नर साहब की, क्योंकि भाई उन्हीं का सेटअप हूं मैं, तो उनकी बात तो मानेंगे भाई, उनके आदमी होंगे। भाई मुझे परमिशन मिल चुकी है, मैं अंदर आ चुका हूं, यहां पे तो इंटरव्यू भी चल रहा है, ऐसे किसका मर्डर हो गया भाई, तो मुझे लगता है घर के अंदर शायद मर्डर हुआ है, जाकर के चेक। भाई ये बंदा कर क्या रहा है भाई, गेट को तोड़ के निकल के देखे, जो गेट की वेल्डिंग कर रहा है, पुलिस वाले वेल्डिंग भी करने लग गए, गेट की हद है भाई। अरे आंटी जी मर्डर कहाँ पे हुआ है बताओ ना मेरे को, देखना है मेरे को भाई, कुछ क्लू मिल जाए छोटा मोटा सा, फिर यार हमें बाइक भी तो लेनी है ना जल्दी से भाई, केस को सोल्व करते हैं, जैसा भी होगा यार, जो भी कुछ हम कर सकते हैं हम कर देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है भाई, सीधा बोल देगा भाई हमारे बस में नहीं है ये, भाई खुद ही कर ले तू। ओके तो भाई यहाँ पे डेड बॉडीज पड़ी हुई है, ओ मेरे भाइयों। अरे मम्मी याद आया भाई, मैंने एक टाइम पे मैं भूतों को भगाने के लिए एक सुनसान से घर पे गया था, जब लेस्टर ने मेरे को बोला था, याद है वहाँ पे भी ऐसी मम्मी पड़ी हुई थी। ओपे भाई, तो उस घर में तो भूत का जो ड्रामा कर रहे थे बाइकर गैंग वाले कर रहे थे, तो उस घर में जाता हूँ भाइयों, शायद से उस घर में कुछ क्लू मिल जाए, क्या पता वहाँ बंदे ही मिल जाए, चोरी मिल जाए मेरे को। हाँ भाई मुझे याद आया, आप लोगों को अगर याद होगा बहुत पहले मैंने एक भूत वाला पार्ट बनाया था, वहाँ पे एक घर के अंदर में गया था, वहाँ पे ऐसी मम्मी रखी हुई थी एक कमरे में,
भाई तो मम्मी तो वही बनाते हैं, वो टैलेंट सिर्फ उन्हीं वाले बंदों में है, तो वो तो बाइकर गैंग वाले थे शायद से, जो कोई भी होगा वहीं जाके पता चल जाएगा। तो भाई फटाफट उसी घर में पहुंचता हूँ, ये मिस्ट्री सोल्व है भाई, ये दोनों मर्डर शायद मुझे लगता है उन्हीं बंदों ने करे। भाई मैं जगह पर आ चुका हूँ, बस एक बंदा भी मिल गया ना यहाँ पे, उसी को पीट पीट के सारा सच उगलवा ले। बेटे भाई ऊपर बंदे बैठे हुए हैं, ये ले बेटे आ जा आ जा आ जा। अबे भाई इस रूम में सारे के सारे छुप के बैठे हुए थे। ओ भाई साहब मेरा शक सही निकला, तभी तो मैं कहूँ ये बंदे ही है खतरनाक। देखो कितनी तगड़ी प्लानिंग कर रहे थे, मैं आराम से ऊपर आऊँ और मेरे को ठोक दे। बेटे हम को नहीं ठोक पाएंगे। अबे कौन है तू, ये ले ये ले ये ले, की हाल चाल, आ जाओ आ जाओ, और लो ये ले बेटे तू भी ले। नीचे से बंदे आने लग गए हैं, मतलब कहाँ पे छुप के बैठे थे। और हाँ मैंने बेसमेंट मिस कर दिया भाई, बेसमेंट में बहुत बंदे थे। ये लो बेटो ये लो, एक कोने में गोली चला रहा, ये ले बेटे तू भी ले, ये ले ये ले ये ले ये ले, और ले और ले और ले, आप भी लीजिए ना, ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए लीजिए, और लीजिए और लीजिए और लीजिए, शाबाश शाबाश शाबाश। भाई ये सभी बंदों को मार दिया भाई, बहुत सारे बंदे छुप के बैठे हुए थे इस रूम में, सभी का मैंने एंड कर दिया, एक बंदे को छोड़ दिया। अगर भाई सभी को मार देता तो बताता कौन। चल मेरे बेटे बता जल्दी से, जो शहर में मर्डर्स हो रहे हैं उनमें तुम्हारा हाथ है क्या। भाई जो देखो मैंने आपको पहले कहा था, ये ऐसा उल्टा सीधा काम बाइकर गैंग वाले करते हैं, ये रे बाइकर गैंग वाले। भाई ये मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, बाइकर गैंग वालों ने दोनों के दोनों मर्डर्स करे, और जो पहले भी हो चुके ये भी बाइकर गैंग वालों ने किए हैं। तो इसने मुझे पता बता दिया, इसने मर्डर नहीं किया ना ही इन बंदों ने किए जो मरे पड़े हैं, इसने मुझे पता दे दिया है भाई जहाँ पे वो बंदे फिलहाल है जिन्होंने आज सुबह मर्डर किया है। तो भाई मुझे पता मिल चुका है, फटाफट मैसेज कर देता हूँ भाई, जो भी इसने जगह बताई है वहाँ पे जाकर वो रेड मार लेंगे और हमें हमारी बाइक मिल जाएगी। तो फटाफट मैसेज करता हूँ कि भाई भाई मैं जगह पे आ चुका हूँ, हमारे प्यारे जो कमिश्नर है उन्होंने हमारी भाई बाइक एयरपोर्ट पे पूछवा दी थी। भाई उन्हें पता है ज्यादातर हम सारी की सारी चीजें यहीं पे टेस्ट करते हैं, तो उन्होंने भाई यहीं पे पूछवा दिया। यार बाइक बड़ी भयंकर लग रही है, मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट पर्सन में, देखो तो सही हो। BMW की बाइक है भाईयो, मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट कर देना। भाई बड़ी मस्त लग रही है बाइक, भाई भगा के देखता हूँ, रुका नहीं जा रहा बिल्कुल भी, अभी देखते कितनी स्पीड भागेगी हमारी कमिश्नर की बाइक। वैसे बुढ़ापे में यार उन्होंने अपग्रेड तो इसको करा नहीं रखी होगी, कितनी भागेगी फिर भी चेक कर लेंगे भाई। 140 150 बस, अरे मेरे प्यारे कमिश्नर भाई 158 150 से भी ले अपनी कम हो गई। ओ भाई साहब क्या मजेदार स्टंट हुआ। गाइस मैं फैक्ट्री में आ चुका हूँ, लेस्टर भैया, ओ मेरे लेस्टर भैया, हमारी प्यारी BMW का अपग्रेड कर दो, कहाँ पर हो। तो भाई लेस्टर से बात हो चुकी है, कह रहा शाम को आना, अभी तो टाइम लग जाएगा इसको अपग्रेड करने में। तो भाई शाम को आते लेस्टर भैया, आराम से अपग्रेड करना प्यार से, बाइक बड़ी बढ़िया लग रही है, तो भाई शाम को आते हो। भाई मैं लेस्टर के पास आ चुका हूँ, क्या मस्त कर दी इसने बाइक को, रेड कलर करके अच्छी और लग रही है भाई, सही है मेरे भाई। लेस्टर तेरी पसंद बहुत ही बढ़िया है, उस वाले कलर से अच्छी रेड में लग रही है भाई, इसने इसके व्हील्स चेंज कर दिए, कमाल कर दिए यार, अब की बार तो तूने बहुत ही अच्छी अपग्रेड करी है मेरे भाई। भाई दोनों के दोनों फीचर इसमें डल चुके हैं, अभी चेक करते हैं ये कैसे भागेगी भाई इसको। मैं भाई पहले कोई साफ सुथरा रोड भी तो मिल जाए, नहीं तो ऐसे में अगर मैंने इसको भगाई तो भाई सब फिर तेज होगी एकदम से, सीधा एकदम से 180 भाई, देखो तो सही। ओ भाई सब 250 यार, ये सबसे तगड़ा जुगाड़ लगता है मुझे लेस्टर का, किसी भी बाइक का भाई रॉकेट बना लो, देखो तो सही भाई साहब। वो मेरे भाई कंट्रोल नहीं हो रही, तो ये 290 चली गई थी ना, आराम से आराम से आराम से आराम से, ये ले भाई साहब 370 गई 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 गई, बस 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 बस, यहाँ पे नहीं भाग पाएगी बस। अभी हम ऊपर की तरफ निकल चुके हैं, हमें सामने एक प्लेन दिखाई दे रहा है, ऊपर ले ले थोड़ी ऊपर ले, प्लेन के डायरेक्शन में ले, थोड़ा इधर को घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा घूम जा, आज इस प्लेन में टक्कर मारूंगा भाई मैं, आज देखते हैं भाई इसमें टक्कर लगेगी या नहीं लगेगी। थोड़ी घूम जा, थोड़ी सी और घूम जा, थोड़ी सी घूम 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 घूम, नहीं यार थोड़ा सा और घूमना पड़ेगा बस, अब बिल्कुल बैलेंस में आ गया। अभी थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर, ये ले 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 ये ले, लगी टक्कर, क्रैश हुआ यार, कुछ तो होना चाहिए था, मैंने प्लेन में टक्कर मारी, कहाँ निकल गया प्लेन, वो रहा ऊपर जा रहा है। बेटे रुक जा, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तेरे को तो जरूर मैं गिराऊंगा आज, मैं आज तो जाने नहीं वाला भाई साहब, आज तुझे गिरा के जाऊंगा मैं भी। आराम से ले भाई ऊपर ले, इसकी डायरेक्शन पे ले, जल्दी 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 जल्दी, बहुत ही बढ़िया, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया, अब की बार तो लगेगी इसमें। ये ले भाई, भाई साहब जस्ट मिस, ये ले बेटे, ये रुक जा बेटे, आ जा नीचे 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 नीचे, बहुत बढ़िया सही जा रही है बिल्कुल से, ऊपर ले ले थोड़ी ऊपर ले थोड़ी ऊपर थोड़ी ऊपर, नीचे 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 नीचे, लगी 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 लगी, अब भाई साहब हुआ कुछ। मैं अब तू कहाँ निकल गया भाई, कहाँ निकल जाते हैं टक्कर खाने के बाद ये प्लेन, तो भाई उसको कुछ भी नहीं हुआ। एक और ट्राई करूंगा मैं इसका गिरा के मानूंगा भाई आज, आ जा बेटे, आ जा 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 आ जा, अब की बार तू आ जा, देख अब की बार लगेगी तेरे में प्योरी से टक्कर, डायरेक्शन बिल्कुल ठीक हो रही है मेरी, नीचे नीचे थोड़ी सी नीचे ले, थोड़ी सी नीचे ले, चलो यार छोड़ो, बेचारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, अगली बार उसको नहीं छोड़ेगा यार, क्या करे जब लगी नहीं थी उसमें टक्कर यार। भाई आप लोग बताओ जरूर बाइक फ्लाइंग करती हुई कैसी लग रही है, और स्पीड तो भाई आपको पता ही है, तारीफ नहीं कर सकते भाई यार, बस एक बार 1000 से ऊपर जाने का हमें फॉर्मूला मिल जाए ना,
तो मजा आ जाएगा। फिलहाल अभी 5:30 तक पहुंचती है, 1000 जानी चाहिए। 1000 रुपये तो भाई बिल्कुल ही रॉकेट बन जाएगा इसका, देखो तो सही। वैसे फिलहाल ये भी स्पीड कम नहीं है, बहुत होती है ये भी स्पीड। तो बस मेरे भाई आप लोग बताना जरूर आपके हमारी BMW बाइक कैसी लगी। तो बस मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो के सिर्फ इतना, आप लोग बता आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दो। भाई अगर अभी तक आपने मेरे फर्स्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया, जाकर उसको चेकआउट कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं उस पर चीटिए की वीडियोज डालता रहता हूँ। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पर फॉलो नहीं किया तो उस पर भी फॉलो कर लो। तो नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।